ओ भाई साहब, कबूतरों के अंडे में से ना आवाजें आ रही हैं। और ये वाला अंडा भी टूटा हुआ है। कटक कटक कटक। मुझे लगता है बच्चे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माँ बाप ना खाने में लगे पड़े हैं। आओ यार, निकालो इनको। आज हमारे कबूतरों के बच्चे निकल जाएंगे, सिर्फ मुझे लगता है 1 या 2 घंटों बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार, आज हमने करना ये है, समद को ना हॉर्स राइड करवानी है। तो समद को ना मैंने पहले ही बुलवा लिया है। मैंने कहा हमारे ना जहाँ घोड़े होते हैं ना, उधर आ जा। हाँ भाई, आ गए हो? हाँ यार, कब से वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो आज हॉर्स राइड करनी है ना? इंशाल्लाह, जरूर। हाँ, ये अंकल ना काफी अरसे से ना हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, और ना सारी देखभाल ना यही करते हैं पापा के सेटअप की। तो आज मैंने कहा यार घोड़ा नहला के आओ, चौक पे आ जाओ, तो हॉर्स राइड ना समद को करवानी है। तो अभी करेंगे, पहले यार डाइट डालनी है मिनी जू में, फिर आते हैं। सब भूखे हैं, बाद में आएंगे, है ना? सबसे पहले तो दोस्तों हमने लिया जिमी के लिए बनानास, वो भी शॉपर भर के। यार घास लेनी है, आप जल्दी से चलो। समद को हॉर्स राइड का इतना शौक है, मैंने सोचा आज इसका सबसे पहले ना यही शौक पूरा करते। दोस्तों हमारी डव ना सुपर केज से उड़ के ना ऊपर जा बैठी है। नीचे आ गए। नहीं, ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास ना 2 से 3 मंथ हो गए इसको। इसको जगह नहीं अंदर जाने के, वरना। मैं तो नीचे था, समझ ने मुझे जल्दी से बुलाया, डव हमारी उड़ गई है। तो 2 डव उड़ी हैं, जो एक व्हाइट वाली थी ना वो इस तरफ गई है, जो ये वाली है ना ये मैंने पकड़ ली है। दोस्तों हमारे रैबिट्स अंदर ही खाते हैं, अंदर ही सोते हैं और अंदर ही रहते हैं, बाहर आते ही नहीं है। और दोस्तों हमारे कबूतर भी क्या, कोई सब्सक्राइबर आया मेरे ख्याल से गिफ्ट देने। कौन आया है? ये कौन है? ये मेरे भांजे हैं, पर ठीक है ना, ये आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ठीक है ना? हाँ, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। यार कोई मामू के भांजे हैं बड़े, जो हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, तो अभी देखते हैं कौन है। ओ भाई, आप वीडियोस देखते हो हमारी? जी। ये पकड़ो, पहले तो ये पकड़ो। म्याऊ म्याऊ की आवाजें आ रही हैं। चलो आ जाओ आप। ओए, बिल्ली है। बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे है, सॉरी। ओ भाई, रुको रुको, नीचे रखना जरा। यार कितने प्यारे है। एक ग्रे है और 2 ये है ना येलो, ये येलो है, बड़े प्यारे हैं, प्यारे हैं। कुछ खिलाया भी है आपने या नहीं खिलाया? चलो हम इसको दूध पिलाते हैं यार, जल्दी से, भूख लगी होगी इनको। भाई ओ भाई, यार ब्लैक रानी से ना लड़ने आ गया ये, इसको ना जिमी के साथ बंद करो सारों को। आज दोस्तों मैंने डिसाइड किया है अपनी सब कैट्स को ना जो गिफ्ट आई है जिमी के साथ छोड़ते हैं। दोस्तों जो हमारी न्यू कैट्स आई है ना, ऐसा करते हैं उनको थोड़ा सा चिकन देते हैं। खोलो 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 खोलो। जिमी डर तो नहीं रहा? नहीं नहीं। ओए जिमी, तू ना खा जाइयो इनका हिस्सा, ठीक है? तू नहीं खाना, ये लो। वैसे जिमी बहुत अकेला था, अब इसके ना दोस्त आ गए, इसके साथ रहा करेंगे। यार इनको इतनी भूख लगी हुई थी, देखो सारा का सारा खा गए। वो देखो यार पीछे, यार कबूतर आया बैठा है। रुको रुको रुको, मैं पकड़ता हूँ, रुको रुको। यार इतनी दिनों बाद आज कबूतर आके बैठा है मिनी जू में, ये लगता है हमारे कबूतर को देख ही आए ना। पकड़ लिया। दोस्तों हमारे मिनी जू में ना आज ये कबूतर आके बैठा है, और फाइनली मैंने इसको पकड़ लिया। यार मुझे थोड़ा बीमार नजर आ रहा है, इतना मेला हुआ पड़ा यार, ये है भी बीमार लग रहा है। क्या है इसको? हाँ बीमार है यार, बीमार है। देखो इसको, चलो इनको ना अपने कबूतरों के साथ छोड़ते हैं, इसको दाना पानी खिलाते हैं। ले आओ ले आओ ले आओ। पता नहीं यार कब से आया बैठा है। छोड़ दो इसको। हाँ पानी शानी पिएगा, दाना भी खाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे कबूतरों के अंडों में से ना बच्चे निकलने वाले हैं। तो अभी तक देखते हैं निकले हैं कि नहीं निकले। तो सबसे पहले तो अपने घोड़े को ना हम घास खिलाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर लेनी है हमने राइड। चलो यार ये तो खा रहा है घास, हम ऐसा करते हैं पहले ना आपको ना फार्म हाउस दिखाता हूँ अपना। अच्छा चलो ठीक है, निकाल सही से। संबंध है ना, हमारा फार्म हाउस भी नहीं देखा हुआ, तो आज इसको वो दिखाते हैं। तो वहाँ भी हॉर्स खड़े हैं बहुत सारे, तो पापा का काम यही है यार, आपको अब पता लगा। मुझे पता है। चलो आओ आओ, जब ये खा लेगा ना फिर इसके ऊपर चलेंगे, ठीक हो गया। चलो दोस्तों हम पहुंच गए अपने फार्म पे, और अभी दिखाते हैं आपको सारे हॉर्स। रेडी हो ना देखने के लिए? रेडी रेडी। चलो चलो अंदर, चलो मैं आ रहा हूँ। ओ चाबी कहाँ गई? अच्छा यहाँ लगाई हुई है। जो सबसे पुराना हमारे पास घोड़ा है ना, सबसे पुराना, जिसको 10 साल हो गए हैं। वो कौन सा?
वो ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला। हाँ जी, इसके करीब ना जाना। क्यों? बस मैं बता रहा हूँ ना, चकपाल चकपाल ऐसी चकपा। और ये वाला भी ब्लैक है बड़ा। तो वैसे दोस्तों, ये असल में जो आप सारा फार्म देख रहे हैं ना, पापा का बिजनेस है बड़ा। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर है ना, आपको पता होगा हमारे भैंसों का काम भी है और उसके साथ साथ हमारे हॉर्स का काम भी है। तो ये सारे जो अंकल पीछे देख रहे हैं ना, ये ना देखभाल माशाल्लाह से हिफाजत करते हैं। और वो ये किसका आया खड़ा है? वही मैं कहूँ यार, ये हमारा है ही नहीं। इसके ऊपर बैठना चाहिए आपको, ये सही लगेगा। और ये भी रखा हुआ है, तो बस सारे सेल परचेज का काम है ना इसी वजह से। दोस्तों, इसमें से एक घोड़ा हमारा मिस है बड़ा, जो वहीं खड़ा है जिसको अभी मैंने घास दिया है, तो हम तो उसी पे बैठने वाले हैं। वैसे इसको फार्म दिखाने आते समझ को, कौन सा पसंद आया आपको? ये व्हाइट वाला। ये क्या था, इसके पास भी ना जाऊं? नहीं नहीं, इसके पास अभी आपने नहीं जाना ना, मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे छिटा भी यही जो पसंद है। बस ठीक है। और इसका इसका क्या होगा यार? छोड़ इसको यार। नहीं यार, आपने इस पे बैठना है यार। आओ 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 दोस्तों, हम बहुत लेट हो गए हैं, अभी हमने जाना है उस घोड़े की राइड लेनी है, तो बस चलते हैं आप सीधा हॉर्स की राइड लेते हैं। वैसे मेरा तो दिल था हम दो हॉर्स पे सवारी करें, आप और मैं अलग 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 एक पे सही है यार। समझ कह रहा है एक पे सही है, मैंने कहा चलो ठीक है एक पे ठीक है। हमने कौन सा वो बादशाहों की तरह पूरे मुल्क पे वो घूमना है, बस 5-10 मिनट सवारी हो जाए ठीक है। हाँ ये सही है ना, इंजॉय हो जाएगी थोड़ी। तो भाई हम हॉर्स को रेडी करवा रहे थे और यहाँ रस्ते में देख के ना मैं रुक गया। ये हमारा सब्सक्राइबर है, अंकल क्या हाल है? ठीक हो? तो ये हमारी वीडियोस देखते हैं, तो थैंक यू यार, थैंक यू। ओ भाई कितना बड़ा हॉर्स है यार, मुझे वैसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया अब। चलो बैठो 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 बैठो। दोस्तों अभी फिलहाल घोड़ा हमारी बाइक पे ही जा रहा है, चलो चलो भाई रेडी हो आ जाओ। अभी ये हमारी बाइक पे जा रहा है, थोड़ी देर पहले हम इसके ऊपर जाएंगे। क्या बात है माशाल्लाह, तो आज मजा आने वाला है यार, फुल हॉर्स राइडिंग होगी। हालांकि हमारे अपने घोड़े हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ना तकरीबन दूसरी तीसरी दफा ना फुल हॉर्स राइड करने जा रहा हूँ। दोस्तों हमारे हॉर्स को ना सब लोग देख रहे हैं, जितने भी रोड पे खड़े हैं ना, तो ये क्या लेके जा रहे हैं? छोटी मोटी चीज नहीं है ना, बहुत बड़ी चीज है। फाइनली दोस्तों हम अपने प्लेस पे पहुंच गए हैं जिधर हमने ना घोड़े की राइड लेनी है। दोस्तों समद बोल रहा है पहले आप बैठो, तो मुझे डर लगता है, तो थोड़ा सा बता दो। पहले मैं राइड लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर आप बैठ जाना, ठीक है? पहले मेरी बात। चलो मैं देखता हूँ आप किस तरह बैठते हो। मैं एक्सपर्ट हूँ, टेंशन ना लो आप। दोस्तों घोड़े पे बैठने से पहले ना, अगर इसके ऊपर काठी ना लगी हो बैठने वाली सीट, आपको ना बाल पकड़ना जरूरी है, इसके बाल लाजमी आपने पकड़ने हैं, नहीं तो भाग जाएगा। और दूसरी चीज जो है ना, वो ये लगाम है, लगाम भी हाथ में रखनी है, अगर ये भी ना रखी तब भी भाग जाएगा। तो बैठना कैसे है ये देखो, इसके ऊपर आराम से इसके बाल पकड़ो और उसके बाद ये इस तरह, बस इतना इजी है। और उसके बाद ना आराम से ऐसे करोगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी चला के भी दिखाता हूँ। ओहो कैसे चल रहा है, सही है यार, ज्यादा नहीं खींचना, नहीं तो तेज हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये तो बहुत ही आसान है यार, बड़ा मजा आ रहा है यार। तो मैंने ना काफी राइड की है और काफी मजा आ रहा है, मेरा तो दिल ही नहीं है इसे नीचे उतरने का, करनी है फिर। नीचे भी आ जाओ, मेरा नंबर है, मैं तक गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों समझ कहता है मैंने साइड पे बैठना है, तो ये ओपन में नहीं बैठ सकता, जंप नहीं मार सकता यार एक घोड़े पे बैठने के लिए, बीमार हो यार क्या है? मोटा हो गया हूं। बस करो यार। चलो चलो बैठ जाओ, यहाँ से पकड़ो, आ जाओ आप, इजी आराम से, हाँ जंप मारो। ओ भाई साहब, वो क्या से क्या यार, आराम से आराम से, बाल नहीं छोड़ने यार, समझो आपने बाल छोड़े तो फिर गए। ओ बाल छोड़े गए, और इसको ना इस तरह पकड़ो, इस तरह पकड़ो, इस तरह, हाँ बस अब हल्के हल्के खींचो। अच्छा खींचो यार, थोड़ा पाँव मारो ना इधर से, बहुत सारे तरीके होते हैं घोड़ा चला के, चलो चलाओ। ये चीज आराम से आराम से, मजा आ रहा है यार। रोक दो, आगे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, थोड़ा खींचो। ओ भाई खींचो यार, बस नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। आपने बताना मैंने घोड़ा अच्छा चलाया, संबंध ने चलाया, इसने तो चलाया नहीं है थोड़ा सा। चलो उतरो उतरो, मजा आ गया यार, मजा आ गया। मैंने भी राइड किया है, समन ने भी किया है, समन ने तो बड़ी मुश्किल से किया है, आपको पता है उसको चलाने नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सिखा दिया, ठीक है ना, मजा आया। बस करो शुक्र है इतना हो गया, वही मैंने सिखाया ना, मान जाओ मैंने खुद चलाया, कहाँ सिखाया यार, मान जाओ यार। चलो भाई अब हम सीधा जा रहे हैं घर, क्योंकि मिनी जू में जाना है और उधर इतने सारे काम है। दोस्तों हम पैट मार की थी ना, बैक साइड पे राइड कर रहे थे,
तो पेट मार्केट में सारे देख रहे हैं घोड़ा कहाँ से आ गया, शायद वो समझ रहे हैं सेल करने आए हुए हैं, उनको पता नहीं है ये हमारा अपना है बड़ा। दोस्तों घोड़ा आ गया अपने वापसी घर और इसको ना मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा लेता। और आप दोस्तों आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है अगली राइड हम किस घोड़े पे करें, तो ये तो मेरा फ्रेंड बन गया एक ही दफा में। मुझे घर वाले ने फोन किया है, वो कह रहे हैं आप पेट हाउस में आओ। मैंने कहा क्या हुआ है, वो बोल रहे हैं आपके कबूतर का बच्चा निकल आया है। ओ, 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 मुझे देख के डर गया यार। ओ भाई अभी एक बच्चा निकला, ये देखो बहुत छोटा है यार, इतना खूबसूरत है। इसको यहीं बिठा देता हूँ इसकी माँ के पास और जल्दी जल्दी से ना इनको डाइट और पानी रख देता हूँ ताकि ये फीड करा सके अपने बच्चे को। और जो ये खोल है ना खोल अंडा जिसमें से निकला है इसको भी बाहर फेंकते हैं। तूने बच्चा नहीं निकाले ना, अच्छी बात नहीं है। देख ये देख कबूतरों ने बच्चा निकाला है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। दोस्तों इसके नीचे मैंने 16 अंडे रखे हैं, इसने एक बच्चा भी नहीं निकाला। बस बंदा क्या बोले इसको भाई, एंग्री बर्ड को अंदर किसने छोड़ दिया है। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ना अपने कजन को बोला था एंग्री बर्ड ना मिनी जू में रखो, तो उसने ना सुपर केज में डाल दिया। निकालो यार इनको जल्दी से यार, इन्होंने ना डिस्टर्ब कर दिया है टैंगो मैंगो को। चलो एंग्री बर्ड बाहर, चलो चलो बाहर चलो। ये ले बिल्ली को भी खिला देना थोड़ा सा, ठीक है। अपनी दोस्त बिल्लियों को भी खिलाओ, बिल्लियां तो ये नहीं खाएंगी, इनको ना चिकन देना पड़ेगा, इनके लिए मैं लेके आया हूँ। और जब से बिल्लियां आई हैं ना सोई पड़ी हैं पता नहीं क्यों। ये देखो इसको देखो इसको देखो। मिस्टर जिमी थोड़ा सा खिलाओ यार, मेहमान है आपके दोस्त हैं, मिस्टर जिमी खिला दो। कहाँ खिलाएगा ये अपना बुखार किसी को ना दे, ये डाइट खिलाएगा इनको। दोस्तों आज अभी अभी एक और मुझे खुशखबरी मिल गई है, अभी तो कबूतर में से बच्चा निकला है ना, और अब हमारा ना जो मोजो है ना वो मिल गया। इतने दिनों से तुम गुम हुए पड़े थे, किधर थे किधर थे तुम? ओ भाई दोस्तों इसके अंदर ना मैं योजो को छोड़ने वाला हूँ और डाइट भी इसके अंदर ही खाएगा। कहाँ गुम थे इतने दिन, चलो पता नहीं दोस्तों इसकी मर्जी होती है आ जाता है इसकी मर्जी। ये देखो ओरियो को देखो, जब मैं भी लोग स्टार्ट करूँ ना पीछे ये बोलता है। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, ऊपर देख ऊपर देख, डाइट आ गई है डाइट आ गई है। यार एक तो मिनी फोर के सिपाही हरकतों से बाज नहीं आते, ऊपर से नीचे गिर गया, अब मैं उसको उठाने जा रहा हूँ। मैंने समझा जो हमारा चीक है ना इधर से ना इस तरफ गिरा है, लेकिन चीक ना दूसरी दीवार की दूसरी तरफ गिरा है, आवाज़ आ रही है। चलो यार आप सीढ़ी पकड़ो मैं ऊपर चढ़ता हूँ, ठीक है। बस यार इसकी लाइफ सेव करनी है नहीं तो मर जाएगा ये। वो देखो अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, सीढ़ी उठा के ना इस तरफ रखना पड़ेगा, इधर उतरना पड़ेगा। मैंने सीढ़ी इस तरफ रखी है, उधर से इस तरफ आ गया हूँ क्योंकि दरवाजा बंद था, यहाँ से हम नहीं आ सकते थे, लॉक था बाहर। तो फाइनली पकड़ लिया इसको, इसे काम देखो यार ऊपर से कूद गया, शुक्र है ये उतरते हुए नहीं मरा। अब इसको ले जाता हूँ इसके दोस्तों के पास। आज दोस्तों बहुत थका देने वाला दिन था, हमने हॉर्स राइड भी की है और भी बहुत सारे काम किए हैं, तो आज मजा आया व्लॉग बनाने का। तो फिलहाल दोस्तों आज शाम हो गई अभी, तो आज के व्लॉग भी यही एंड करते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपको बड़ा पसंद आया होगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह।